हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन योर क्लास 10th मैथ्स क्लास। एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसमें हमने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का यूज किया था। जो रिलेशनशिप था मैंने यहाँ पे लिखा भी आपके लिए, दैट इज सम ऑफ जीरोज। जो सम होता है जीरोज का वो माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो आपका सी अपॉन ए होता है। अब नेक्स्ट जो उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में, दैट इज फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिया था, उसके पहले जीरोज निकाले थे एंड फिर उसका जो रिलेशनशिप है इसको वेरीफाई किया था। आपने देखा होगा ये, और उसमें रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे घर के लिए, चार क्वेश्चन। होप आपने वो क्वेश्चन किए होंगे। अब उसी के टर्म में हम आगे बढ़ते हैं कि आपके जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो आपको क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें आपके तीन टर्म थे। ये वाला पॉलिनोमियल था आपका जिसमें तीन टर्म थे, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला, सेकंड एक्स वाला, थर्ड वाला कांस्टेंट टर्म था। पर जो क्वेश्चन मैंने आपके छोड़े थे उसमें उसमें आपने देखे होंगे दो टाइप के क्वेश्चन थे। एक में आपका एक्स स्क्वायर और एक्स था, और एक में आपका एक्स स्क्वायर वाला कोफिशियंट है और आपका कॉन्स्टेंट कोफिशियंट है। इन दोनों में आप ये देख सकते हो कि ये जो दो अलग टाइप के क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है वो इससे थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट किस रिस्पेक्ट में है कि इस जो फर्स्ट क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है इसमें तीनों के तीनों टर्म गिवन है, जिसमें हमने मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व किया था। अगर आपका देखा होगा आपने कैसे सॉल्व किया था, हमने मिडिल टर्म मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों टर्म है। बट ये भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। अब आप कैसे बोलोगे ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अरे यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। अब इनके जीरोज निकालने हैं हमको, तो इनके जीरोज मिडिल टर्म मेथड से नहीं निकल सकते। तो जीरो निकालने का इनका दूसरा मेथड होता है, फिक्स मेथड है। अब फिक्स मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पहला एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिक पॉलीनोमियल आएगा उसमें क्या होगा आपका कि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट वो वैल्यू तो होगी, बट उसके साथ एक दूसरा वेरिएबल वाला वैल्यू भी होगी, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, जब आपका दो टर्म हो, कौन कौन से टर्म, एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला, तो उसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहले इनमें जो दोनों में वेरिएबल सेम है उसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के वाला अंदर देखोगे यहाँ बचेगा एक्स प्लस टू। अब इतना करने के बाद यही स्टेप, इसमें इतना करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे दो टर्म, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये दो टर्म में डिवाइड हो गया, एक एक्स प्लस टू हो गया और एक एक्स हो गया है। तो एक बार एक्स के इक्वल टू में जीरो ले लेंगे और एक बार इसके इक्वल टू, एक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो लेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। तो यहाँ से इसके दो जीरो यही दोनों बन जाते हैं। एक बार इस एक्स के इक्वल टू में जीरो लेके एक्स का जीरो यही बन गया जीरो, और एक बार एक्स की जगह माइनस टू लेके इसका जीरो यही बन जाएगा। तो इसके दो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस टू बन गए, जो आपके अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब इसके जो कॉफिशेंट की बात करें इसके, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उसको ए बोलते हैं आप, और एक्स का जो कॉफिशेंट है उसको बी बोलते हैं आप। तो यहाँ बी इक्वल टू आ गया, ए इक्वल टू वन आ गया, और सिक्स थर्ड कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट आपके पास है नहीं तो उसको आपके ले लोगे जीरो ले लोगे। अब आप इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कराओगे यहाँ से कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो एल्फा की जगह आपने बताया, मैंने बताया था आपको कि जीरो हो गया, और बीटा की जगह माइनस टू हो गया। तो यहाँ पे जीरो प्लस माइनस टू इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी ये रख कर एक जगह आप वन रखोगे तो ये माइनस इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए निकाल सकते हो आप। ये तो था आपका कब, जब आपके पॉलिनोमियल में, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में दो टर्म हो, कौन कौन से टर्म, एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला। बट क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो फिर से, बट उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो हो बट उसके साथ कॉन्स्टेंट टर्म हो, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, पहला वाला टर्म तो आपके स्क्वायर के फॉर्म में है, आप दूसरे को भी स्क्वायर का फॉर्म बनाओगे कि वो जो दूसरी वैल्यू है किसका स्क्वायर है। ध्यान रखना कि दूसरी वैल्यू किसका स्क्वायर है, हम जानते हैं ये 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसे उसको लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आप देख सकते हो। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, जो एक बार टी की वैल्यू प्लस थ्री आ जाएगी और एक बार टी की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी। तो ये आपके दो जीरो फिर से निकल गए इसके, अल्फा इक्वल टू थ्री और बीटा इक्वल माइनस थ्री, और यहाँ से ए बी सी निकाल दोगे क्योंकि टी स्क्वायर के साथ ए होगा आपका वन हो गया, बी आपका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो जीरो है यहाँ पे, और सी वाला कॉन्स्टेंट टर्म आपका माइनस नाइन हो गया। फिर इनका रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि इन प्रीवियस लेक्चर में तो हमने सीखा था कि जब क्वाड्रिक पॉलीनोमियल में तीनों टर्म हो तो उसके जीरोज निकालने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्रिंग मेथड यूज करते हैं, एंड बाकी जो दो टाइप के और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होते हैं लाइक ये फर्स्ट टाइप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसमें दोनों वेरिएबल वाले होते हैं, एंड सेकंड टर्म वाला जिसमें
एक वेरिएबल वाला होता है और एक कांस्टेंट वाला होता है, उसको हम सोल्व आउट कैसे करते हैं, उनको सोल्व करने के दो मेथड लिखे हैं आपके मैंने आपके। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है आपका, इसको सोल्व करके आप सोल्व कर लेना, और इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो आपने करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का जो आपका दो क्वेश्चन छूट रखे हैं वो आपको खुद करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है वो क्वेश्चन, उनको आप खुद सोल्व करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे होगा, बिल्कुल इसके तरह ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है इसको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि लेट इट बी, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपको पॉलीनोमियल गिवन थे और आप इसके जीरोज निकाल रहे थे तब रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे थे, अब उल्टा हो जाएगा, मे बी आपको जीरोज ना गिवन हो, जीरोज गिवन हो और आपको पॉलीनोमियल निकालना हो उल्टा पकड़ के। पहले टाइम पे क्या था आपको कि पॉलीनोमियल गिवन थे और आपको उसके क्या निकालने थे, जीरोज निकालने थे। अब क्या है कि आपको जीरोज गिवन है और आपको क्या बनाना है, पॉलीनोमियल बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो उसको बनाने का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि व्हेन वी हैव गिवन जीरोज, जब हमको जीरोज गिवन होंगे, या हम और भी बोल सकते हैं उसमें कि जीरोज ना गिवन होंगे अगर डायरेक्टली जीरोज का सम एंड जीरोज का प्रोडक्ट गिवन होता हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जीरोज गिवन है या जीरोज का सम या जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये बनता है क्वाड्रिक के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मीन्स होता है सम, सम किसका, जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एंड क्यूबिक का होगा एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एस पी एक्स माइनस पी, ठीक है। जहां ध्यान रखना एस मीन्स होता है सम, सम ऑफ जीरोज, एंड पी मीन्स होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड एस पी मीन्स होगा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड पी मीन्स होगा प्रोडक्ट जो आपको पता ही है आपके, तो इनका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये यहाँ पे इस तरीके से। इस पे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर रखे हैं आपके, लाइक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि आपको माना जीरोज का सम गिवन है 4 एंड जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है -1/4, अब बोल रहे हैं क्वाड्रिक पॉलीनोमियल बनाओ, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली हमको पता है कि इक्वेशन क्या होती है पॉलीनोमियल के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होती है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, और एस की जगह कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो -4x, और माइनस अब प्रोडक्ट कितना है 1/4 है, तो ये आपका सीधा क्या बन गया, क्वाड्रिक पॉलीनोमियल बन गया है। फिर उसके बाद क्यूबिक के लिए देख मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि माना आपको सम दे रखा है और सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है किसका, ये जीरोस का दे रखा है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहां पे क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा कि इफ सम ऑफ प्रोडक्ट या सम यू हैव गिवन, इफ सम ऑफ जीरोस इज गिवन 4 एंड प्रोडक्ट इज गिवन -1/4 देन फाइंड द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो उसको इस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो यही टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है कि आपको वहां पे क्या दे रखे हैं, क्वाड्रिक पॉलीनोमियल के सम एंड जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है जीरोस के और आपको पॉलीनोमियल बनाने हैं, तो सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और पॉलीनोमियल बनाना है, तो इस तरह से उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करना है घर पे, एंड उसके बाद आपका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट के नेक्स्ट लास्ट वाले है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए है सेम थिंग कि क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए आपको उसका क्या दे रखा है, सम दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है और आपको बोल रखा है क्यूबिक पॉलीनोमियल बताओ, ठीक है। तो आप वो यहां से करोगे इस तरीके से, उसका क्या आप बोलोगे कि क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए आपकी इक्वेशन जो बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एस पी एक्स माइनस पी, तो सम की जगह 3, एस पी एक्स की जगह 3 और प्रोडक्ट की जगह जो वैल्यू है उनको पुट कर देंगे, तो आपको क्वाड्रिक पॉलीनोमियल बन जाएगा। और उसमें एक और चीज बोला था कि वेरीफाई करो कि कुछ पॉइंट जो है उसके जीरोज हैं या नहीं, तो वेरीफाई कैसे करोगे कि वो वैल्यू वहां पुट करोगे पॉलीनोमियल में, और अगर आपको क्या बन जाए आंसर उसका जीरो आ जाए उस पॉलीनोमियल का, तो मीन्स उसके जीरोज हैं अदरवाइज नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन है वहां पे मिसलिनियस के, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनको आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, ओके बाय।